ताकत है, इसके माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता कुछ ही क्षणों में हमने दुनिया को बता दिया कि कांग्रेस के भाजपा में शामिल हो गए। आप देख रहे सिर्फ एक विधानसभा के लोग हम लोगों ने 10,000 लोग सोशल मीडिया पर कार्यक्रम बनाए हैं। 10,000 कुछ ही क्षणों में हर बात को जन जन तक पहुंचा देंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जाएगा तो उसको ये समझना, मैंने जब सोशल मीडिया जिसके माध्यम से हमें योजनाओं को बताना भी है और कांग्रेस द्वारा जो खुदा चाहते हैं अत्याचार कुशासन कांग्रेस का पूर्व में रहा था जानकारी मंदिर हम आज राम मंदिर का वोट उतार के लड़ू, मोदी का वोटा उतार के लड़ू, से एक बात कहना चाहता हूँ, राम मंदिर तो हमारे सभी के आस्था का केंद्र है, सही आप भी राम मंदिर के नाम पे वोट मांगो अगर कांग्रेस ने अगर वो आते वकील खड़े नहीं किए तो अभी राम मंदिर के नाम पे वोट डालो। और अगर हमारा नेता मोदी है हम मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, आपका नेता राहुल गांधी आप राहुल गांधी के नाम पे वोट मांगो, उसमें क्या दिक्कत है भाई। पर कल सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा कि बीजेपी वालों की तरह राम मुंह में नहीं है, दिल में है हमारे। भाई साहब दिल में होते तो तुझे सात सात वकील आठ आठ वकील खड़े क्यों किए थे? राम जी को काल्पनिक बताते हुए राम सेतु को तोड़ने का प्रयास क्यों किया था? राम सेतु को तोड़ने किसने किया था? उस टाइम तो राम काल्पनिक, राम बात होगी मुंह में राम और बगल में छुरी। क्या मुद्दा ये रहेगा? हर चीज मुद्दा है जनता की भावनाओं के साथ कोठाराघात कांग्रेस है जनता के साथ, जो जो इन लोगों ने कार्य किए हैं वो भी जानकारी दी जाएगी। चुनाव में ये भी बताया जाएगा कि जन जन तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैसे घर घर पहुँच कर वोट को निकालेगा। सोशल मीडिया पर ये भी जानकारी दी जाएगी कि हम लोग कैसे अपनी बात को दूसरों को पहुंचा सकते हैं। और हम अपनी जितना ज्यादा सोशल मीडिया जब से हर हर मोदी घर घर मोदी जो अभियान चला था वो महाअभियान बना और उसके बाद से लगातार अगले चुनाव में जितने भी कार्यक्रम हुए अगला दूसरा जो चुनाव आया उसे सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक ने पहुँचाया, योजनाओं को पहुँचाया और उसके माध्यम से पुनः भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और आगे आने वाले चुनावों में, क्योंकि विकसित भारत का चुनाव है, आने वाली पीढ़ियों का चुनाव है, यह चुनाव विकसित भारत के लिए है जिसमें कि विश्व की 2047 विश्व में अग्रिम 3 प्रमुख देशों में भारत को शामिल होना है, उसके लिए सोशल मीडिया की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इन चुनावों के माध्यम से जन जन। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।